थाना राया क्षेत्र के गांव पडरारी में घरेलू विवाद के दौरान पति द्वारा मारपीट में घायल महिला ने उपचार के दौरान रविवार को दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पडरारी गांव निवासी मंजू देवी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती थी। मंजू का पति दिलीप मजदूरी का कार्य करता था। मंजू की शादी करीब 15 वर्ष पूर्व हुई थी। मंजू और दिलीप के दो लड़के और एक लड़की थी। विधिपुर विसावर थाना सादाबाद निवासी मंजू के भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 नवंबर को दिलीप के द्वारा विवाद के दौरान मंजू के सिर पर प्रहार किया गया था, जिससे मंजू घायल हो गई थी, जिसे राया के एक निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया और गंभीर होने पर उसे आगरा के लिए रेफर किया गया। रविवार को मंजू देवी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इस मामले में महिला के पति समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। क्या घटना हुई है जो आपके साथ? एक्सपायर हो गई है और वो दिलीप कुमार है ना, राया से पडराई काम पड़ता है, उन्होंने उनके सर पे चोट मारी थी, खट का पाया। आपका कौन सा काम है? मेरा काम विधिपुर थाना विसावर जिला हाथरस से है। कितने तारीख को हुई थी ये घटना? 22 तारीख की शाम को करीब 8 बजे से करीब की घटना है। 23 तारीख को हमें सूचना मिली थी सुबह करीब 8:30 बजे, मैं और पिताजी और एक मेरा भतीजा, हम तीन लोग ये गणेश बाग में बालाजी क्लिनिक पर एडमिट थी। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए आगरा के प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए उन्हें रेफर किया। उपचार के दौरान मौत हो गई जी। तो मुकदमा तो आपको? हाँ, इसकी FIR हमने 25 तारीख को दिन 25 नवंबर 2021 को पंजीकृत कराया है। तो अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी? जी, पोस्टमार्टम के लिए भेजा।